आज इस वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान विषय में अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। इस पाठ में भी हम ऐसे अनेक पदार्थ हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं, उनका आपस में क्या संबंध है उसका अध्ययन हम इस पाठ में करेंगे। जैसे कि आप रोज भोजन करते हो, भोजन कभी खट्टे स्वाद का होता है, कभी कड़वे स्वाद का होता है, तो हम देखते हैं कि ये भोजन का खट्टापन व कड़वा किस कारण होता है। कभी कभी भोजन की अधिकता से किसी व्यक्ति को एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी मतलब अम्लता से पीड़ित हो जाते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि हमारे भोजन में, हमारे दैनिक जीवन में कई पदार्थ ऐसे हैं जिनमें अम्लीय गुण भी होते हैं और क्षारीय गुण भी होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम अम्ल। ये अम्ल के गुण, ये आपको ये गुण बताए हुए हैं, ये स्वाद में खट्टे लगते हैं और जब इनको पानी में घोला जाता है, इनका जो जलीय विलयन होता है तो उसमें ये H धन आयन उत्पन्न करते हैं और एक लिटमस पत्र होता है, एक प्रकार का सूचक है। यदि ये अम्ल में ये नीले लिटमस पेपर को हम डालते हैं तो ये नीला लिटमस पेपर लाल रंग का हो जाता है। आप इस चित्र में देखिए, यहाँ पर एक अम्ल या नींबू का रस ले लीजिए आप, और इसमें हमने एक लिटमस पेपर ये इसमें डुबोया है। पहले ये लिटमस पेपर नीले रंग का था, आप देखेंगे ये अम्ल के संपर्क में आ रहा है और ये लाल रंग का हो गया है। हम देखते हैं कि जो अम्ल होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, एसिटिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, यदि संतरा है, खट्टा है, तो उन सब में ये अम्ल अवश्य पाए जाते हैं। इसके बाद क्षारक भी पाए जाते हैं। तो क्षारक के गुण क्या होंगे? इसके अपोजिट हैं अधिकतर ये, स्वाद में ये कड़वे होते हैं, जल में OH ऋण आयन देते हैं। देखिए ये हम तुलना भी कर सकते हैं, अम्ल एच धन आयन देते हैं और क्षार OH ऋण आयन देते हैं और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। यहाँ देखिए आप चित्र में, ये लाल लिटमस पेपर है और ये क्षारीय विलयन है। जैसे आप साबुन ले सकते हैं, साबुन का उपयोग आप रोज करते हैं तो वो उसमें क्षार मिला हुआ है, तो ये देखिए लाल लिटमस पत्र नीला हो गया है। ये क्षार है सोडियम हाई ड्रोक्साइड NaOH KOH पोटेशियम हाई ड्रोक्साइड। तो इस प्रकार अम्ल और क्षार हमारे दैनिक जीवन में कई पदार्थों में पाए जाते हैं। अब हमें इनकी पहचान करना है। अब हम पहचान करेंगे तो इनको हम छूकर या चक्कर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हानि भी पहुंचा सकते हैं हमारे शरीर को, अम्ल तेज होते हैं। इस प्रकार हम इनकी पहचान करने के लिए हम कुछ सूचक का उपयोग करेंगे। सूचक क्या है? वे पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल और क्षार की सूचना देंगे। अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम में उनका रंग बदल सकता है, गंध बदल सकती है। तो इस प्रकार लिटमस, मैंने अभी पूर्व में बताया था, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। अब हम पढ़ेंगे सूचक के बारे में। सूचक तीन प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक और गंधीय सूचक। प्राकृतिक, जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा है, ये हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। आपने हल्दी देखा है, ये पीले रंग की होती है, और लिटमस एक, ये भी एक पौधों से मिलता है। ये हल्दी और लिटमस अलग अलग माध्यम में अलग अलग कलर देते हैं। अम्लीय माध्यम में अलग कलर देंगे, क्षारीय माध्यम में अलग, और इससे हमें ये सूचित करते हैं कि वो पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय। जैसे हल्दी, आपके कपड़ों पर यदि कभी सब्जी का दाग लग जाता है तो वो पीले रंग का रहता है। वो इसके बाद यदि हम उसको साबुन से धोते हैं तो आप देखते हो कि वो दाग कभी कभी लाल रंग में बदल जाता है। तो क्षारीय माध्यम में इसका रंग कैसा हो गया? लाल। अब हम पढ़ेंगे संश्लेषित सूचक। ये कृत्रिम सूचक भी कहलाते हैं, ये मानव द्वारा निर्मित होते हैं।
जैसे मैथिल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन, ये भी अम्ली और क्षारीय माध्यम में अलग अलग रंग देकर हमें अम्ली और क्षारीय माध्यम की सूचना देते हैं। तीसरा है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक, जैसा कि आपने देखा कि ये इनकी गंध अम्ली या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। कुछ गंधीय सूचक हैं प्याज, लौंग का तेल, वेनिला, तो इस प्रकार हमें ये सूचक अम्ल और क्षारक की क्या करवाते हैं, पहचान। तो हम ये लैब में, प्रयोगशाला में इन सूचक के द्वारा ही अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। अब हमारा अगला विषय है अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण। कोई भी अम्ल है उसमें एच धन आयन अवश्य पाया जाएगा। अभी पूर्व में बताया कि अम्ल एच धन आयन देते हैं और क्षार ओ एच ऋण आयन देते हैं। अम्ल की किसी भी धातु के साथ हम क्रिया करवाएं, धातु सोना, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, आपने कक्षा नौवीं में पढ़ी है धातुएं, तो मान लो हम यहाँ पर एक धातु लेते हैं जिंक और ये अम्ल। आप ध्यान से देखेंगे कि ये अम्ल ये दो भागों में टूटेगा, हाइड्रोजन धन आयन और सल्फेट ऋण आयन, और ये धातु से क्रिया करता है तो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर उत्पन्न होती है और लवण बनता है जिंक सल्फेट। इसको हम एक फार्मूला के रूप में लिख सकते हैं, अम्ल धन धातु इज़गट लवण धन हाइड्रोजन गैस। कभी भी कोई भी अम्ल धातु से क्रिया करेगा तो हमेशा लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। यहाँ हम एक इसी को हम एक प्रयोगशाला में इस प्रकार क्रिया करके देख रहे हैं। ये जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है, ये हाइड्रोजन गैस ही है या नहीं, इसका हम क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे, टेस्ट करेंगे। देखना, ये यहाँ पर एक परख नली ली हुई है, इसमें हमने जिंक के टुकड़े डाले हुए हैं, यही जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें डाला हुआ है। जब ये आपस में क्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, और ये हाइड्रोजन गैस ये निकास नली से, ये आप देख रहे हो ना प्रवाह नली, यहाँ से यहाँ पर कार्क लगा हुआ है, तो गैस कहीं से नहीं निकलेगी, केवल इस नली से निकलेगी। और ये हाइड्रोजन गैस एक ट्रफ में साबुन का पानी रखा हुआ है और वहाँ से हम प्रवाहित करते हैं नली से, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस हल्की है तो ये ऊपर जाएगी। यहाँ पर एक जलती हुई मोमबत्ती रखते हैं, तो ये देखते हैं जलती हुई मोमबत्ती, जैसे ही ये गैस निकलती है, जलती हुई मोमबत्ती बहुत तेजी के साथ एक आवाज़ के साथ, फट फट की एक आवाज़ आती है, और उसके साथ ये गैस। अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण में हम आगे बढ़ते हैं। क्षारक की धातु के साथ अभी क्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये धातु है, जिंक के साथ क्रिया करता है तो लवण बनता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। पूर्व में भी ऐसा ही था कि अम्ल भी धातु के साथ क्रिया करती थी तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती थी। धातु कार्बोनेट की अम्ल से अभिक्रिया, नाम देखिए, धातु कार्बोनेट, एक धातु होगा साथ में उसमें CO3 जुड़ा होगा, धातु कार्बोनेट, ये हाइड्रोजन क्लोरिक गैस से, हाइड्रोक्लोरिक गैस से क्रिया करता है तो देखिए NaCl पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस उत्पन्न हुई है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या नहीं, इसका हम परीक्षण करेंगे। देखिए, ये सोडियम कार्बोनेट HCl अम्ल लिया और यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ये देखिए आप, इस नली से, निकास नली से ये उत्पन्न हो रही है, और ये इसको हम परख नली में चूने का पानी लेंगे, कैल्शियम हाई ड्रॉक्साइड का विलयन लेंगे, तो ये चूने के पानी को दूधिया कर देती है, कौन सी गैस, कार्बन डाई ऑक्साइड, ये CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और पानी उत्पन्न होता है, ये दूधिया रंग का है, दूध जैसा। यदि हम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ज़्यादा मात्रा में प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा कि जो चूने का
पानी है जो दूधिया हो गया था वो वापस कैल्शियम बाई कार्बोनेट में बदल जाता है और दूधिया रंग पुनः एकदम पारदर्शी विलयन प्राप्त होता है जल में घुलनशील। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्पन्न हुई गैस कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि चूने के पानी को क्या कर देती है, दूधिया कर देती है। अब हम अम्ल और क्षारक की आपस में क्रिया करवाएंगे, ये भी रासायनिक गुण है अम्ल और क्षारक का। तो अम्ल और क्षारक जब मिलते हैं तो लवण और पानी बनता है। और इसका एक उदाहरण देखिए आप, अम्ल HCl और NaOH, लवण बनता है NaCl और पानी। इस क्रिया को हम कहेंगे उदासीनीकरण। अगली क्रिया है अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया। धात्विक मतलब धातु का कोई भी ऑक्साइड ले लीजिए आप, कॉपर ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उसमें हम अम्ल मिलाते हैं तो ये लवण और जल मिलता है। देखिए कॉपर क्लोराइड का एक नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है और जल उत्पन्न होता है। अगली क्रिया है क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये एक अधातु का हाइड्रोक्साइड है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है। ये कार्बन एक अधात्विक ऑक्साइड है और ये CaOH क्षार है, तो यहाँ पर लवण मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट और पानी उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर भी हमें लवण प्राप्त होते हैं।